जुले सबको नमस्कार। आज आर्ची का ये तीसरा सेशन होगा। तो पहला सेशन में हमने आर्ची को आप लोगों के सामने ये टीचिंग रखा था कि आर्ची का एम एन ऑब्जेक्ट और आर्ची का क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, कैसे करेंगे और उसके लिए क्या ड्रीम होना चाहिए, एक आर्चर को कैसे एम्बिशियस हो कि आर्ची को आप पूरे इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए बताया था। एंड दूसरे सेशन में आर्ची की टेक्निक को जो 10 बेसिक स्टेप होते हैं इसमें, उस 10 बेसिक स्टेप टेक्निक को किस तरह से फ्री हैंड विदाउट जो इक्विपमेंट के बगैर, विदाउट रबर ट्रेनिंग के बगैर, तो आपको फ्री हैंड क्लास लिया था सेशन सेकंड में। तो आज का क्लास होगा आर्चरी के इक्विपमेंट के बारे में होगा। और सबसे पहले बो बो किस प्रकार के होते हैं, किस टाइप का होता है, कैसे टूर्नामेंट है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो हमारे भारत में, इंडिया में, तीन टाइप का टूर्नामेंट चलता है। एक है ट्रेडिशनल जो आर्ची हमारा इंडिया में चलता है, उसको बोलते हैं इंडियन राउंड। तो उसमें क्या होता है, बेम्बू बो और बेम्बू एरो के साथ शूटिंग होता है। उसका डिस्टेंस, उसका रूल, ये सारे ओपन नेशनल पे है, स्कूल्स लेवल पे, ये सारे डिस्टेंस हुई है, एज के हिसाब से ये चलता है। ये एक इवेंट हमारा इंडिया में चलता है, उसको बोलते हैं इंडियन इवेंट, वो ट्रेडिशनल इवेंट है। और दूसरा इवेंट चलता है जो रिकॉफ राउंड है, वो फिटर राउंड के रूल से चलता है, जो जो इम्पोर्टेड हमारे मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया में तो हो रहा है लेकिन इतना नहीं है, तब तब भी हम इम्पोर्टेड बो कोरियन का और यूएसएस का बो यूज़ करते हैं इम्पोर्टेड, उसको रिकॉफ इवेंट बोलते हैं। फिटर राउंड के रूल से चलता है, उसका भी डिस्टेंस और सारे चीज़, एक टूर्नामेंट ये हमारे इंडिया में चलता है। और तीसरा जो है एक कंपटीशन है, वो है कंपाउंड राउंड। तो कंपाउंड इवेंट का उसका वो भी अलग है, उसका रूल और सारे डिस्टेंस वगैरह तो सेम है लेकिन उसका इक्विपमेंट अलग है। तो ये हो गया तीन टाइप का टूर्नामेंट अपने इंडिया में भारत में चलते हैं। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे जो नेशनल लेवल के जो कोचेस हैं उनके टीचिंग से हमने ये आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है आर्चरी कैसे सीखेंगे और कौन सा इक्विपमेंट सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक बार फिर रिवीजन करूँगा कि एक आर्चर को आज शुरू करते हैं, कल से शुरू करते हैं, तो वो एटलीस्ट 3 महीना तक आप पूरा फ्री हैंड, जो हमने सेकंड सेशन में दिया था दूसरे, वो फ्री हैंड प्रैक्टिस कीजिए। उसको परफेक्शन होने के बाद फिर आप 1 साल तक, यानी चौथा महीने से लेके 12वें महीने तक वो आप रबर पे प्रैक्टिस करते रहें, आप इक्विपमेंट के ऊपर नहीं जाए। क्योंकि आर्चर, मुझे भी अपना भी एक्सपीरियंस ये है कि हमारा एक क्यूरियसिटी, आप कम कब बो उठाओ, कब मैं शूट करूँ, कब टारगेट पे करूँ, उस पर ना जाइए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आर्चरी एक ऐसा चीज़ है, कल भी हमने सेशन में बताया, आज भी मैं बता रहा हूँ कि आर्चरी फिजिकली और मेंटली ये गेम है। तो जब तक हमारे माइंड में कि इसका टेक्निक क्या है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हमारे कोर मसल्स के साथ शूटिंग करेंगे, जब तक ये टेक्निक, एक एक चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आर्चरी आपको बो एकदम बो पकड़ के वो आपका परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है, आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप जाइए ताकि आर्चरी जो है, जो बेसिक स्टेप फाउंडेशन है, जो भी हमारा फाउंडेशन अच्छा होगा तो वो उसके ऊपर जितना भी आप आगे लोड देंगे तो वो आगे लोड उठा सकता है और आर्चरी में परफॉर्मेंस अच्छा आप दे सकते हैं। तो इसलिए ये जो भी अभी सिखा रहे हैं, ये बिगिनर लेवल पे टीचिंग दे रहा हूँ, तो बिगिनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका बेसिक फंडामेंटल जो टेक्निक है, बेसिक आर्चरी में कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप वो आप लर्न करके सीख के जाना है। तो आप, मैं जाऊंगा कि हमारे इंडियन राउंड में तो आर्ची का बो बैम्बू बो और बैम्बू एरो है, तो उस इक्विपमेंट को मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इंडियन राउंड के बो के बारे में। तो ये है इंडियन राउंड का बो। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म और इसका बो का क्या क्या पार्ट है, तो इस एक एक पार्ट को मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा, तो आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे कंप्लीट ये जो बो मेरे हाथ में है, इसको बो यूनिट कहते हैं, बो यूनिट। इसके बाद
ये जो ऊपर वाला है ये बैम्बो से बना हुआ है, इसको अपर लिम कहते हैं। और इसी तरह से ठीक नीचे है तो ये है लोअर लिम है। तो बो के इस साइड को बो बेलेबे बोलते हैं। तो बो के एंड में एक है, इसको टिप भी बोलते हैं हम टिप। इसमें स्ट्रिंग फंसाया जाता है और इसके ऊपर बो का अपर टिप है। तो इसके बाद ये है स्ट्रिंग, ये जो धागा डोरी है ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग में भी तीन चीज़ों से आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे बीच में है, इसमें सेंटर सर्विंग थ्रेड और एक स्ट्रिंग के ऊपर और एक थ्रेड लगाते हैं, उसको सेंटर सर्विंग थ्रेड है। और इसके बीच में जो अलाइनमेंट, ये एरोहेड के साथ अलाइनमेंट करके इसको एक पॉइंट रखता है, तो उसमें नोकिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसी के पास जो एंड में एक होता है वो फिर लोअर सर्विंग थ्रेड होगा, फिर उसके ऊपर अपर सर्विंग थ्रेड होगा, ये होगा स्ट्रिंग। तो उसके बाद बो के लिम्ब के लिम को ठहराया जाता है। तो यहाँ से लेके इस पार्ट तक बोलते हैं बो रेजर, बो रेजर बोलते हैं। तो इसी बो रेजर के लोअर पोर्शन में लोअर लिम्ब को ठहराया जाता है और अपर रेजर के ऊपर ये अपर लिम्ब ठहराया जाता है। तो उसके बाद जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं बो विंडो, बो विंडो बोलते हैं। तो इस बो विंडो के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, एक तो ये जो हिल्डा है तो ये एरोडेस के साथ साथ एक ये जो बैम्बो ये हिल्ड है तो इसको बोलते हैं प्लंजिंग बटन, प्लंजर बटन बोलते हैं। तो इसके साथ एक आपका एरो रखने के लिए एक आप ये ग्लास भी बना सकते हैं। तो इसके बाद ये मैंने तो यहाँ पे ये एक अल्मीनियम से बनाया तो इसको एरोरेस बोलते हैं। तो इसके साथ यहाँ पे एक पद्दे से बैम्बू का पीस से बना हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं हमारा क्लिकर बोलते हैं। तो ये क्लिकर कैसे यूज होता है ये आगे बताएंगे। तो इसके बाद इस यहाँ से लेके इस पोर्शन बोलते हैं साइटर, और ये है साइट क्योंकि यहाँ से इसके बीचों बीच से टारगेट में आप फोकस करते हैं एरो को अलाइनमेंट करने के लिए, यहाँ से साइड देखते हैं। तो ये पोर्शन पूरा हो गया आपका बो यूनिट। तो बाकी यहाँ पे अभी मैंने नहीं लगाया है तो यहाँ पे स्टेबलाइजर भी लगता है। ये स्टेबलाइजर ये है, ये लॉन्ग स्टेबलाइजर भी बोलते हैं और सेंटर स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। और स्टेबलाइजर को ठहरने के लिए यहाँ पे वी बर्ड लगता है। तो इसके साथ दो छोटे वेट है, ये है शॉर्ट स्टेबलाइजर है और दूसरा लगता है लॉन्ग स्टेबलाइजर। तो कंप्लीट स्टेबलाइजर एंडियन राउंड में भी स्टेबलाइजर लगता है। ये हो गया आपको मैंने अभी जानकारी दिया एंडियन राउंड के बो के बारे में। उसके बाद इसी बो को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा मेरे पास, अभी मेरे सामने है रिकर्व राउंड का बो है। आप इसी का सारे जो नाम है पार्ट है वो जैसे इंडियन लिम में बताया वही सेम है। इसको हम लोअर लिम बोलते हैं, इसको अपर लिम बोलते हैं, इसको ये स्ट्रिंग है और ये पिवट पॉइंट है। तो अभी वहाँ पे रह गया था मैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं पिवट पॉइंट। ये वो ग्रिप या वो हैंडल ये है। तो इसमें वही सेम है, ये इस यहाँ एरोरेस है, ये प्लंजर बटन है। तो ये जो है क्लिकर है और ये साइटर है। ये साइट आगे पीछे दाएं बाएं यानी 6 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock ये सारे o'clock डायरेक्शन के एडजस्ट करने के लिए ये साइट होता है। तो इसके बाद ये पूरे को सेट यूनिट को बोलते हैं हम, इसको स्टेबलाइजर बोलते हैं। ये यहाँ पे एक्सटेंशन है, ये रॉड है, सेंटर लॉन्ग स्टेबलाइजर है, ये शॉर्ट स्टेबलाइजर दो है और ये है वी बार है। तो ये सारे जो इंडियन राउंड और रिकॉप का सारे एक ही चीज़ होता है। ये जो बो को ठहराया जाता है इसको बोलते हैं हम स्टैंड। तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे एरो के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो पहले इंडियन राउंड का एरो, इंडियन राउंड के बैम्बू बो का एरो ये है, बैम्बू एरो है। इसका भी बहुत सारे क्वालिटी हैं। तो जब आप परचेस करेंगे सबसे पहले तो एरो को आप इसका बिल्कुल, इसका शेप जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए,
और इसमें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, इसमें ज्वाइंट है, इसमें बैंड होता है, वो कम वाले हो सके तो एक ही शेप का बना हो तो वो आपको सेलेक्ट करके मिले तो वो अच्छा है। तो उसके बाद इस एरो को फिर एरो परचेस करने का इसको ट्यूनिंग भी करना पड़ता है। तो आज ट्यूनिंग के लिए मैं नहीं जाऊंगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, सिर्फ आपको एरो का जानकारी दूंगा। तो एरो के बारे में तो सबसे पहले इसका बाय पार्ट्स आपका जानकारी दूंगा। ये इसके ऊपर जो आप कल शूटिंग करते समय नॉकिंग पॉइंट पे ठहराया जाता है, इसको बोलते हैं हम एरो नोक बोलते हैं। फिर इसके बाद ये जो है इसको फ्लैज भी बोलते हैं, फैदर भी बोलते हैं। तो इस फैदर का तीन है यहाँ पे, लेकिन इसमें एक टेक्निकली हमें एक बिगनर आर्चर के जानना बहुत ज़रूरी है। जो एक या मैंने आप लोगों को जानकारी के लिए मैंने ये कलर अलग लगाया था, ये ग्रीन कलर का है, इसको हम कोक फैदर के नाम से टेक्निकली जानते हैं। और ये दो जो येलो का है, दो फैदर है, इसको हम हैंड फैदर के हिसाब से हम जानते हैं। तो कोक फैदर और हैंड फैदर कल क्यों है, जब आपको एरो नोकिंग करेंगे उस समय आपका एरो ये कोक फैदर हैंड फैदर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये कोक फैदर जो है वो आपके बो विंडो के साइड पे, प्लांजर बटर के साइड पे लगना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो ये आपका जो ये नहीं जान पहचान करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको सही ढंग से नॉकिंग पॉइंट पे ध्यान नहीं देंगे, फैदर गलत करेंगे तो इसका क्या होगा, एक फैदर टच हो जाएगा बो के बॉडी के साथ, विंडो के साथ, तब आपका फैदर भी खराब हो जाएगा, आपका एरो भी लाइन में नहीं जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कोक फैदर और हैंड फैदर को आपने पहचानना बहुत ज़रूरी जानकारी। तो इसके बाद इसके पूरे बॉडी को बोलते हैं हम शेप बोलते हैं, ये एरो शेप। तो इसको नीचे वाले में पॉइंट छोटा सा है, इसको पॉइंट भी बोलते हैं, बाय बोलते हैं, पिन भी बोलते हैं। तो इसके बाद इसका बाय पार्ट कुछ नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से नोकपिंग पॉइंट से लेके आपके सेंटर यहाँ तक इसको शेप मैन बोलते हैं, यहाँ से यहाँ पे शेप मैन बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से लेके थोड़ा सा 3 या 4 5 इंच की डिस्टेंस पे शेप मैन के नीचे से लेके ये पॉइंट के ओर, तो इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक क्रीज बोलते हैं। तो उसके बाद क्रीज के नीचे से यहाँ तक इसको शेप बोलते हैं। तो इसके नीचे शेप के नीचे से लेके पायल तक यहाँ के इस पोर्शन को बोलते हैं हम फुटिंग बोलते हैं। तो इसको तो पॉइंट है, ये क्यों है कल आपको कोच या आपको टेक्निकली बताएंगे, आप शेप से पॉइंट से कहाँ से आप एरो निकलते समय कैसे निकलना है, आप एरो माउंटिंग करेंगे नोकिंग पॉइंट, तो उस वक्त ये टेक्निकली आपको बताएंगे। तो आपको ये नाम बाइपर्स नाम मालूम है तो आपको उस वक्त टेक्निकली यूज़ करने में बहुत आसान होगा। तो इसके बाद एरो, ये एरो है जो हमारे रिकर्व राउंड के लिए यूज होता है, ये ऐसी एरो है, कार्बन एरो बनता है। तो ये आजकल जो ना एक से बढ़कर एक बहुत अच्छे एरो आते हैं, तो इसका मटेरियल ये कार्बन से बनते हैं। बाकी जो एरो का दो टाइप का मैंने बताया कि आपको इंडियन राउंड के शूटिंग करते समय बेम्बू बो के सब जो ट्रेडिशनल हमारा इंडियन राउंड बेम्बू बो के साथ ये बेम्बू एरो यूज़ करते हैं, इससे टूर्नामेंट होता है। और जो रिकॉफ राउंड के लिए तो इम्पोर्टेड बो, तो इसके बो के साथ आपको ये ऐसे हो रहा है ये यूज़ करते हैं। तो ये फैदर आजकल ये फैदर जो है इसमें जो ट्विस्ट किया हुआ वो फैदर होता है। एक्चुअली ये फैदर जो है ज़्यादातर आजकल यूज़ करते हैं उसके लिए, ये रिकर्व राउंड में यूज़ नहीं करता है, वो कंपाउंड के लिए ये फैदर यूज़ करता है। लेकिन हम बिगनर के लिए ये भी चलेगा, ये भी आप रिकर्व राउंड में यूज़ करता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे सेफ्टी एसेसरी में, क्योंकि जब भी हम आर्चरी गेम खेलेंगे या आर्चरी प्रैक्टिस करेंगे या आर्चरी सीखेंगे, सबसे पहले एक प्लेयर को, एक आर्चर को बहुत ज़रूरी है आप सेफ्टी सेफ्टी, क्योंकि ये कल हिस्ट्री फर्स्ट सेशन में मैंने हिस्ट्री है आर्चरी की हिस्ट्री में बताने की कोशिश किया, इसमें दो तीन चीज़ें रह भी गया, आज मैं उसको हिस्ट्री में बताऊँ। क्योंकि ये पहले जो एडलिमेंट के टाइम स्टून एज के टाइम ये इसको बो एंड एरो को यूज़ करते थे हम ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। तो धीरे धीरे जब ह्यूमन ने इंसान ने अपने माइंड को तो वो नॉलेज ज़्यादा हुआ, गेन एक्सपीरियंस हुआ, तो उसने रिसर्च किया, धीरे धीरे इसको
वॉर उन दिनों जो वॉर वेपन के रूप में इसको यूज करते थे। तो उसके बाद जितना आज के डेट में 21st सेंचुरी में तो ये एरो वेपन के बोन एरो वेपन के रूप में, क्योंकि वेपन के अच्छे से अच्छे तो वेपन आ गया। तो आप इसको स्पोर्ट की फील्ड में उतारे ताकि इस स्पोर्ट्स के आर्ची को स्पोर्ट्स के एक पीरियड को यूज करने के, ताकि स्पोर्ट के माध्यम से आर्ची को एक फिजिकली मेंटली और इसको डेवलपमेंट करने के लिए और इस डिसिप्लिन को आगे लेने के लिए, तो आर्ची जो अभी बो एंड एरो स्पोर्ट्स के हिसाब से यूज करते हैं। तो सेफ्टी, जब भी आर्चर सेफ्टी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी शूट करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो समय आगे पीछे जो आपके दाएं बाएं आर्चर होंगे उसको चोट नहीं लगना चाहिए कि आप एरो बाहर से क्यूअर से लेंगे या आप एरो माउंटिंग करेंगे, एरो को एग्जीक्यूट करेंगे या उसके बाद शूटिंग करते समय, तो भी आपका कहीं शूटिंग करने में सबसे पहले आपके टारगेट कहाँ है, उस एरिया में कोई एनिमल जानवर नहीं या कोई आदमी नहीं, ये सारी चीज़ें आपके कोचेस और एक आर्चर को सेफ्टी का प्रिकॉशन और ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वहाँ पे पूरा आपका टारगेट है और कोई नहीं है तो तभी आप शूट करेंगे, तो ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद सेफ्टी दूसरा चीज़ है, दूसरों को भी कोई चोट ना पड़े, दूसरों को हार्मफुल ना हो और अपने इक्विपमेंट को भी नुकसान ना हो, क्योंकि एक एरो जो है बहुत महंगा है, ये भी तकरीबन ट्यूनिंग करेंगे तो इस एरो का भी 120-130 तक इस बढ़ जाता है, वैसे तो ये 70-80 में मिल जाता है, लेकिन इसको अच्छी तरह से ट्यूनिंग करेंगे तो एक एरो का कॉस्ट जो है इसका इतना मेहनत लगता है, एक एरो ट्यूनिंग करने के लिए कम से कम आपको 3-4 घंटा लग सकता है सही तरह से करें तो ये सब मेहनत लगा देंगे तो इसका भी कॉस्ट 150 होगा। तो 150 आप रोज प्रैक्टिस में 150 एरो आप ये तोड़ते रहेंगे तो आपने आपके पैसे के लिए भी आपके बजट के लिए भी बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए आर्चरी जब भी खेलेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो अभी ये सब हुआ आपके प्रिकॉशन जब आप एक आर्चर को सेफ्टी के बारे में ध्यान देना। अब हम एसोसिएटरी के बारे में बताऊंगा। तो ये है क्यूअर है, एक क्यूअर दो तीन टाइप का है, मेनली दो टाइप का है, ये है वेस्ट क्यूअर या हिप क्यूअर भी बोलते हैं। तो इसमें आप एरो को यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ दो तीन ये खाना है तो एरो नंबर के सब सिलेक्शन कल आपको कंपटीशन लेवल का आपके पास एरो सफिशिएंट होना चाहिए, 12-13 होना चाहिए, तो आपका बेस्ट एरो कौन सा है तीन आते ऐसे सेलेक्ट करने के लिए ये है। तो यहाँ पर आपका एक आर्चर को जब भी ट्रेनिंग करें, जब भी कंपटीशन के, अपना पॉकेट डायरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो डायरी रखने के लिए, पेन रखने के लिए ये है, यहाँ पे ये आपका फिंगर टिप भी रख सकता है, तो यहाँ पे आपका दूसरा एसेसरी भी रखना है, इसको बोलते हैं हम क्यूअर बोलते हैं। तो एक क्यूअर आता है, ग्राउंड क्यूअर भी होता है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, आपको बाद में पता चल देंगे। तो इसके बाद ये है चेस्ट गार्ड, क्योंकि अपने चेस को या कपड़े को ना डैमेज ना हो शूट करते समय, रिलीज करते समय, तो इसलिए ये पहनाया जाता है चेस गार्ड, ताकि इसका सेफ्टी हो जाता है, आपका ये चेस पे प्रोटेक्ट करते हैं ताकि एरो ना लगे, स्ट्रिंग ना लगे, तो ये इसको बोलते हैं चेस गार्ड। फिर उसके बाद आपका आर्म्स है, जो आर्म्स में ये स्ट्रिंग जब शूट करते समय स्ट्रिंग लगता है, किसी का टेक्निकली गलत रखेंगे आप, टेक्निकली रिलीज गलत करेंगे, वो होल्डिंग पोस्चर गलत करेंगे, उस वक्त लग सकता है, टेक्निकली फॉल करेंगे तब आप इसको हमें लगता है, या आपका जो स्ट्रक्चर है किसी आर्चर का, ये जो जॉइंट है एल्बो जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट किसी का, ये अपर लिम का बोन्स है वो यहाँ से निकला हुआ ऐसा होता है तो उस समय लग सकता है। तो नॉर्मली वैसे टेक्निकल आपको सिखाएगा, तो जब भी हम ड्रॉ करते समय इसको लॉक करना होता है, लॉक करेंगे तब लॉक करने से भी नहीं लगता, फिर भी बाय चांस कहीं टेक्निकली फॉल करें लग जाता है, तो ये अपने आर्म के स्क्रीन को इसको डैमेज होने के लिए, तो ये इसको बोलते हैं आपका ये आर्म्स गार्ड है, आर्म गार्ड को लगते हैं, इसको बोलते हैं आर्म गार्ड। फिर उसके बाद आपका ये स्लिंग है, ये रिस्ट स्लिंग है, आप एक फिंगर स्लिंग भी बना सकते हैं, फिंगर स्लिंग भी होता है, तो ये स्लिंग है, बो स्लिंग है, तो बो इस ऐसे ठहरा के तो आपका इंडेक्स फिंगर के बीच से निकाल के तो आपका बो के हैंडल से लेकर फिर वहाँ से लेके इसको लॉक कर दें, ताकि बो
आज के डेट में ऐसा टेक्निक है, तो लेटेस्ट टेक्निक है, उसको जानने की अभी से बिगनर्स भी नहीं है, क्योंकि वो को कल जंप करेगा, वो को जंप करके वो को पकड़ना नहीं होता, होल्ड करना नहीं होता है, तो उसको वो को बिल्कुल कल रिलीज करेंगे, बॉल जंप करके टुवर्ड्स टारगेट की ओर अलाइनमेंट लिया वो चले जाएगा, जाएगा तो बॉल गिर जाएगा, तो उसको रोकने के लिए ये स्लिंग का काम करते हैं। ये है आपका फिंगर का, जब आप कर्ल करके ये हुक करेंगे, सेटिंग हुक करेंगे, तो आप शूटिंग जो है एक बिगनर से लेके या एलिट आर्चर तक दिन में सुबह शाम दोनों मिलके कम से कम 400-500 एरो शूट करना है। तो 400-500 एरो आप पर डे, जब आपका 2-3 साल एक्सपीरियंस होने के 500-600 एरो तक शूट करेंगे, तो आपका ये फिंगर तो एक ही दिन में ये आपका घिस जाएगा, ये कटेगा, ये डैमेज होगा, इंजरी होगा, तो इसलिए इसको बचाने के लिए, फिंगर को बचाने के लिए ये इसका वो फिंगर टैप है, इस फिंगर टैप को यूज़ करके इसलिए यूज़ करते हैं। फिर आपका सेफ्टी एसोसिएटा तकरीबन ख़त्म हो गया। आप ये एक बिगिनर आर्चर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपका आर्चरी का जो टूल में से ये वो स्किल स्केल बोलते हैं, वो स्केल आपने पास रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि वो के क्यों स्केल हमेशा, जब आप स्केल बाद में आप ट्रेन हो जाएंगे तो आपने खुद को स्ट्रिंग बनाना भी आना चाहिए, और स्ट्रेन का रिपेयरिंग करना ना मेंटेन करना भी आना चाहिए, तब इसके बाद जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो ब्रेस हाइट को चेक करते हैं, नापते हैं, तो जब आप नॉकिंग पॉइंट तब भी स्केल से नापते हैं, मेजर करते हैं, तो ये स्केल जो है हमेशा आर्चरी के लिए यूज़ होता है, ये एक स्केल आपने सब पास रखना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी आर्जी तो इसका टेक्निक, इसका नॉलेज पूरे जीवन भर सीखेंगे तब भी बहुत मुश्किल है, आप मुश्किल का आप डरना नहीं, आप बच्चों कि ये जो करने वालों के लिए बहुत आसान है, सब कुछ आप सीख जाएंगे जल्दी, लेकिन नॉलेज जो है सब कुछ चाहिए। एक आर्चर को स्ट्रिंग बनाना भी आना चाहिए, एक आर्चर को बो का ट्यूनिंग करना भी आना चाहिए, एक आर्चर को बो का जो लोग हमारा ट्रेडिशन है उसमें तो साइड भी खुद कर सकते हैं, ये सारे बो रिपेयरिंग करना, मेंटेन करना, ट्यूनिंग करना, ये भी आना चाहिए। फिर उसके बाद आपका नॉकिंग पॉइंट में आना चाहिए, तो एक आर्चर को ये कंपनी से बना बना आता है, लेकिन उसको खुद ट्यूनिंग करना पड़ता है, वो हर आर्चर अपने जो फिजिकली अपने जो टेक्निक जो अडॉप्ट होता है आर्चरी में, उस हिसाब से बो भी होता है, बो का साइज होता है, बो का वेट होता है, बो का पॉन्डेज होता है, तो सारे चीज़ अपने इंडिविजुअल गेम है, ये अपने आर्चरी एक ऐसा गेम है इंडिविजुअल है, तो अपने हिसाब से बो का साइज, एरो का साइज, एरो का लेंथ, ये सारे चीज़ें हैं, तो एक आर्चरी के लिए आपको सब कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी समय नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी से दो आज के टॉपिक का दो एजेंडा रह गया है, एक टारगेट और फील्ड इवेंट का, ग्राउंड इवेंट का, तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये टारगेट, इसको बोलते हैं टारगेट फेस, तो टारगेट फेस तीन टाइप का है, एक टारगेट है आता है 122 सेंटीमीटर का टारगेट है, ये अपने डिस्टेंस के हिसाब से ज़्यादातर ये 70 और 50 और 60 90 मीटर तक का टारगेट ये यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है एक टारगेट फेस दूसरा आता है 80 सेंटीमीटर का, ये भी अपने रूल के हिसाब, जब रूल में आएंगे तो ये सब कहाँ कहाँ यूज़ है उस वक्त बताएंगे, अभी समय नहीं है। तो तीसरा टारगेट है ये 40 सेंटीमीटर का है, ये आपका प्रैक्टिस का या आपका सिलेक्शन टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है, ये तीन टाइप का टारगेट होता है। और ये टारगेट जो है तीन कलर का है, जो आउटर है वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, एंड देन रेड और येलो, और सेंटर का इसका भी दो दो पार्ट में है, तो इसका स्कोरिंग सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम है, जो आउटर वाइट 1, फिर 2, 3, 4, ब्लैक के इनर जो 4 है, फिर ब्लू का 5, 6 एंड रेड का 7, 8 एंड देन गोल्ड और येलो है उसका आउटर है 9, फिर उसके बाद ये 10 है, तो अभी बहुत साल हो गया लेटेस्ट, अब इसको पॉइंट 10 है, क्योंकि ये आपको कोई ट्राई होता है उसके लिए, अभी प्लस 10 भी है सेंटर पॉइंट। ये हो गया आपका टारगेट के बारे में।
अभी टारगेट फेस कर बता, आप हम फील्ड का टारगेट बोस के बारे में, इसको टारगेट बोस भी बोलते हैं, टारगेट बैटरी बोलते हैं, जहाँ पे एरो को हिट करना है। तो ये दो टाइप का है आज के डेट में, एक कंपाउंड और रिकर्व राउंड के लिए। इसका थिकनेस जो है 6 से होता है और इसका लेयर ज़्यादा होता है और ये बहुत हार्ड होता है ताकि वो एरो को पार ना क्रॉस ना हो जाए। तो दूसरे एंडिंग राउंड के लिए इसका थोड़ा सा थिकनेस सॉफ्ट होता है ताकि वो उस हिसाब से इसको बनाया जाता है। आप इसका जो थिकनेस है 6 है, इसका विड्थ है 124 सेंटीमीटर बाय 120 सेंटीमीटर का। तो ये टारगेट बैटरी और बॉस बनते हैं। उसके बाद ये रखा जाता है स्टैंड के ऊपर। ये आप सजेस्ट करूंगा ये वुडन स्टैंड के ऊपर, ताकि एरो बिगनर के लिए एरो डैमेज ना हो जाए। कोई कोई स्टील का भी बनते तो एरो डैमेज हो सकता है। तो ये टारगेट का हाइट जो है या ग्राउंड से लेके टारगेट ठहरते हैं लोअर पोर्शन, वो इसका 2 फीट है और पूरा टारगेट का हाइट जो है वो 66 इंच है और टारगेट के ये फुटिंग टू फुटिंग है वो 30 इंच का टारगेट स्टैंड होता है। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आप सब कोशिश करूँगा कि आपने आर्चरी का कुछ इन्फॉर्मेशन आप पहुँचा होगा, आप आर्चरी खेले। थैंक यू, सबको जुड़े।